और फिर बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल शरद पवार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की यह धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले मुंबई पुलिस कमिश्नर से उनके दफ्तर जाकर मुलाकात उन्होंने की। सुप्रिया सुले ने यह दावा किया है कि शरद पवार को मेरे व्हाट्सएप पर धमकी दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद सुप्रिया सुले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंची और अपनी ये शिकायत उनकी तरफ से दर्ज कराई गई। तो किसने धमकी दी है, किस नंबर से ये मैसेज आया है, ये तमाम जांच पड़ताल लगातार जारी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी मिल रही है कि ट्विटर हैंडल के जरिए ये धमकी दी गई है। ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए, शरद पवार की बेटी जब पहुंची पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए, अपनी शिकायत दर्ज करवाई गई और सीधे तौर पर यह धमकी जो है शरद पवार को दी गई है जान से मारने की। तो देखिए, पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर ली गई है। सुप्रिया सुले पुलिस कमिश्नर से मिली है, उन्होंने बताया है कि एनसीपी प्रमुख जो है शरद पवार, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी मिल पा रही है कि ट्विटर हैंडल पर ये जान से मारने की धमकी दी गई है। अब इसके पीछे कौन है, किसकी साजिश है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। विकास के पथ पर बढ़ते छत्तीसगढ़ में सजेगा चर्चा और विचारों का महामंच, जहां उठेगा हर मुद्दा, होंगे सीधे सवाल जिनका जवाब देंगे छत्तीसगढ़ के सीएम और वो हस्तियां जो है छत्तीसगढ़ की पहचान। ओपन माइक छत्तीसगढ़ सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।